हे स्टूडेंट्स वेलकम टू 90 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर CUET एंट्रेंस एग्जाम वेल आपका एग्जाम होने वाला है 21 मई से शुरू है ना और ऑलरेडी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अप्रैल और मई का महीना बचा है तो एक 90 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे हम मार्च के कुछ दिन मई के कुछ दिन और अप्रैल का पूरा महीना यूज करके CUET की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑलराइट तो शुरू करने से पहले CUET का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दे दूं जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा था मेरे CUET डिटेल्स के बारे में वो जरूर देख लीजिएगा अदरवाइज लेट मी इंट्रोड्यूस इट वंस अगेन टू यू ऑल CUET होता है बच्चों बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बहुत ही अमेजिंग एग्जाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा एग्जाम रिलीज किया है जिसके थ्रू आप मल्टीपल बेसिकली यू जी एंड पी जी यानी कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं बाई गिविंग वन सिंगल टेस्ट और 44 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे इंक्लूडिंग बी एच यू डी यू जैसे बहुत ही एस्टीम्ड एंड डीम्ड कॉलेजेस, राइट सो मेनी स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर बेसिकली एक्सेप्टिंग द मार्क्स ऑफ दिस एग्जाम एंड ऑफरिंग यू कोर्स फॉर एनी थिंग एंड एवरी थिंग यानी आप डांस एंड आर्ट से लेकर एस्ट्रोनॉमी ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तक किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं ओके okay, तो इस पेपर का बेसिकली पैटर्न कैसा होता है बच्चों इसमें तीन सेक्शन होता है एक होता है आपका लैंग्वेज का सेक्शन जो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है पार्ट ए पार्ट बी दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं मान लीजिए किसी ने संस्कृत एंड इंग्लिश ले लिया किसी ने हिंदी एंड इंग्लिश ले लिया किसी ने फ्रेंच एंड इंग्लिश ले लिया इट एप्सोलेटली डिपेंड्स ऑन यू ठीक है सेक्शन टू में होता है डोमेन सब्जेक्ट यानी वो सब्जेक्ट जो आप अपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ते हैं जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया बिजनेस स्टडी हो गया मैथ्स हो गया फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री हो गया एस्ट्रोनॉमी हो गई जो भी आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ी है एंड सेक्शन थ्री में होता है आपका जनरल टेस्ट बहुत अच्छी बात है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने ये बोला है कि देखो भाई आपको मैथ्स नहीं आता कोई बात नहीं आपका 12th board अच्छा नहीं नहीं गया कोई बात नहीं। आप logically सोच पाते हैं ना आप डे टू डे अफेयर से बेसिकली अपडेटेड रहते हैं ना तो भी हमें चलेगा मतलब वो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स लिखना और अपनी भावनाओं को प्रकट करने में उतने सक्षम नहीं होते हैं बेसिकली हम आ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें चीजें आती तो हैं पर हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए भी यूनिवर्सिटीज ने बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है आप क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो एलिजिबल कोर्सेज में राइट right? तो कितना अमेजिंग है ना बेसिकली चलिए अब इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं और किस टाइप का पेपर आने वाला है आपका तो अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन ए दो पार्ट्स में डिवाइड होगा देन सेक्शन टू एंड सेक्शन थ्री होगा ठीक है सेक्शन वन में होंगे आपके पार्ट uh, ए में टोटल थर्टीन लैंग्वेजेस एंड पार्ट बी में ट्वेंटी अदर लैंग्वेजेस जो पार्ट ए में नहीं है फिफ्टी क्वेश्चन होंगे जिसमें से सिर्फ फोर्टी अटेम्प्ट करें पूरे फिफ्टी नहीं करना ऐसा नहीं है ठीक है और फोर्टी फाइव मिनट्स आपको मिलेगा अटेम्प्ट करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए मत अटेम्प्ट करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ठीक है सेक्शन बी में आपको मिलेगा अगर आपने सेलेक्ट किया है तो फिफ्टी क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करना होगा सेक्शन में में होंगे डिफरेंट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यस क्लास आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं ठीक है थीके? तो आप उनमें से कोई भी सब्जेक्ट अपनी चॉइस का ले सकते हो जिसमें आप मास्टर्स करना चाहते हो बैचलर्स करना चाहते हो और सेक्शन थ्री में जनरल टेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे सिक्सटी अटेम्प्ट करने हैं फिफ्टी टाइम मिलेगा सिक्सटी ऑल राइट ना अब बात करते हैं हमारे थर्टी डेज थर्टी डेज एंड थर्टी डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की टोटल नाइनटी डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की ठीक है तो सबसे पहले तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको कवर कर लेती हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट सारे सब्जेक्ट्स जिनके लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं बाय द वे सिर्फ और सिर्फ थर्टी फर्स्ट मार्च तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं मैंने पहले भी बताया था तो प्लीज फॉर्म फिल कर लीजिएगा अभी भी मौका है ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं प्रैक्टिस टेस्ट करना है क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है इंटरनेट पे एज वेल एज बुक शॉप्स में तो वहां से एज वेल एज इस चैनल पे भी मैथ्स रिलेटेड आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए ई बुक्स आपको मिल जाएंगी फॉर एप्टीट्यूड मल्टीपल वेबसाइट्स है ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वर्ड सर्च करिए गूगल पे मल्टीपल वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जहां पर क्वांट एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश वाले लॉजिकल रीजनिंग सारे करवाए जाते हैं इनको सॉल्व करिए प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कोरिंग सेक्शन हो जाएगा आपके लिए है ना देन स्पीड बिल्डिंग के लिए मॉक टेस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है एज वेल एज एन टी ए की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है एन टी ए बेसिकली कंडक्ट करवा रहा है सीयूटी का एग्जाम ठीक है एंड लास्टली रिविजन तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता ही है तो ये सारी चीजों को अगर हम कवर कर लें तो फिर हमें सीटी में फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है ना। Now, talking about step by step, कैसे complete करना है है हमें पूरा so, सबसे पहले first month की बात करते हैं first 30 days में आपको मैं एक दे रही हूं। उतना आप कर लो बहुत ठीक है ठीके? आप अपने डोमेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपने चूज किया है उसका 50 परसेंट कंप्लीट कर लो अब आप बोलोगे अरे भाई ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम अभी दिया है तो कंप्लीट रिविजन और कंप्लीट पढ़ाई तो आप कर चुके हो ना ये तो सिर्फ रिविजन हुआ एक तरीके से है ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मतलब ट्वेल्थ बोर्ड से काफी कम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में देखो लंबे लंबे आंसर तो लिखने नहीं है वन मार्क्स का आंसर है मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं NCRT को फॉलो करिए मोर देन देट है तो फिफ्टी परसेंट अपने syllabus को complete कर notes बनाना हो फॉर्मुला शीट बनानी हो की पॉइंट्स लिखने हो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो फ्लो चार्ट हो ये सब बना के रेडी कर लीजिए एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट सिलेबस का इसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज टेस्ट लैंग्वेज में वही इंग्लिश हिंदी संस्कृत वट इट इज उसमें बेसिकली आपके ग्रामर से ही क्वेश्चन आएंगे लिटरेचर से तो आएंगे नहीं अब ग्रामर में आप कोशिश करिए कि इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कर ले रहे हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर जो होते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रपोजिशन कॉन्जक्शन आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेट्रा ठीक है जिस भी सब्जेक्ट को आपने चूज किया है इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूं मैं लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है संस्कृत भी हो सकता है नेक्स्ट इज योर जनरल टेस्ट जनरल टेस्ट का आप सिर्फ ट्वेंटी परसेंट फोकस करो पहले ठीक है ट्वेंटी परसेंट इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको डोमेन सब्जेक्ट का ज्यादा पार्ट कवर करने के लिए बोला है तो जनरल टेस्ट का कम पार्ट आप कवर कर सकते हो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा ना तो ट्वेंटी परसेंट सिलेबस आप कवर करो जीके का नॉट जस्ट जीके आपके जो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने मैंने आपको बोली है ना उसके आप टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए वेबसाइट पे अवेलेबल है उन टॉपिक्स में से आप बेसिकली देख लो कि ट्वेंटी कितना हो रहा है उतने टॉपिक्स आपको इस महीने में कवर कर लेने हैं ठीक है जनरली करंट अफेयर रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री सिविक्स जोग्रफी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन सबको कवर कर लीजिए फर्स्ट मंथ में ये हो गई हमारी फर्स्ट थर्टी डेज की नेक्स्ट थर्टी डेज यानी सेकेंड मंथ में आपको क्या करना है जो आपका डोमेन सब्जेक्ट था उसका फिफ्टी परसेंट आप कर चुके थे अब अगला थर्टी परसेंट आप कवर कर लीजिए ठीक है एंड जो 50 परसेंट आपने पढ़ा था उनको वापस रिवाइज भी करना है उसके साथ साथ और उसके एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है इस चैनल पर आपको मैथ्स रिलेटेड एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करवाई जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है सो रिविजन एम सी क्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड थर्टी परसेंट मोर सिलेबस डोमेन रिलेटेड सब्जेक्ट का लैंग्वेज टेस्ट में अगेन आपने बेसिक्स ऑफ ग्रामर कवर कर लिया था अब थोड़ा सा मीडियम लेवल के ग्रामर में हम चलते हैं जम्बल रिप्लेसमेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग एंड स्पॉटिंग एरर्स वाले टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए अगर आपके पास कोई बुक नहीं है इंटरनेट पे ढेर सारे पी अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी पढ़ाई आपको करवा देंगी उनको फॉलो करिए और सिर्फ MCQ questions से फोकस करी। MCQ का मतलब समझते हैं आप ना मल्टीपल डी ऑप्शन होते हैं जिसमें ठीक है पे आ जाते हैं फिर से तो कितना cover किया था हमने पिछले महीने कम पढ़ाई की थी ना सिर्फ बीस परसेंट की थी अब आपको सिक्सटी परसेंट और कवर कर लेना है टोटल एटी परसेंट सिलेबस कवर कर लेना है वंस अगेन करंट अफेयर्स को रीड करते रहिए और ज्यादा कोशिश करो एटलीस्ट पिछले पांच साल के करंट अफेयर्स से थोड़ा सा गो थ्रू कर सको आप ठीक है आई नो बहुत डिफिकल्ट है पांच सालों में तो दुनिया में क्या नहीं बदल जाता है और क्या नहीं हो जाता है बट एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं ना हम कि एटलीस्ट गो थ्रू कर ले कि दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ पड़ा तो था ये होगा सुना सुना लग रहा है ठीक है तो कोशिश करना कि करंट अफेयर्स एटलीस्ट आप गो थ्रू कर सको मल्टीपल वेबसाइट अवेलेबल है इंटरनेट पे मुफ्त की कहीं आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है आ गए हम आखिरी महीने में थर्ड मंथ में क्या क्या कवर कर लिया था डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का हमने पहले फिफ्टी परसेंट कर लिया था ठीक है फिर हमने थर्टी परसेंट कर लिया था अब बचा हमारा ट्वेंटी परसेंट तभी तो हंड्रेड परसेंट पूरा होगा तो जो रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट है जो मान लीजिए आपने बचे कुछ टॉपिक छोड़ रखे थे जो आपको टफ लग रहे थे या फिर आपने लास्ट के लिए छोड़ रखा था कि अभी मेरा दिमाग इस इसमें नहीं चल रहा है बाद में करूंगा उन टॉपिक्स को कवर करिए रिविजन करते रहिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसकी अगर आपने मल्टीपल डोमेन सब्जेक्ट चूज किए हैं तो हर सब्जेक्ट का आपको ये रेशियो खुद से मेंटेन करना पड़ेगा ठीक है अगेन लैंग्वेज सब्जेक्ट में आ जाते हैं अब आप आर्टिकल रीडिंग कीप मेकिंग नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियोस बी ऑन योर आरसी बेस्ड प्रैक्टिस आल्सो ठीक है तो इससे पहले जो पढ़ा था रिवाइज करने का टाइम है तो रिवाइज कर लीजिए वरना ग्रामर ऐसी चीज है एक बार सीख जाता है इंसान तो बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो आ गया ऐसा होता है ठीक है तो अब आप आर्टिकल रीडिंग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं अपनी वोकेबुलरी ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं रिविजन जितना आपने पहले किया था वो कर सकते हैं और इंटरनेट पे यूट्यूब पे अगर किसी ने वीडियोज डाल रखे हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं फॉर योर लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज रिलेटेड टॉपिक्स राइट चलिए लास्टली हमारा जीके जीके हमने 80 परसेंट कवर कर लिया था तो जो 20 परसेंट सिलेबस बचा है उसको कवर कर लीजिए थोड़ी सी रिवीजन कर लीजिए के क्वेश्चन थे और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन उनको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए नोट्स तो बनाया ही होगा तो ये हो गया आपका टोटल 90 डेज का स्टडी स्ट्रेटेजी ऑल राइट अब बात करते हैं हमारे मैथ्स सब्जेक्ट की क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर हूं तो मैं तो आपको सबसे पहले मैथ्स की ही एडवाइस देना चाहूंगी है ना तो मैथ्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है अगर आपने दोन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स चूज किया है तो बेसिकली मैथमेटिक्स के दो सेक्शन होने वाले हैं सेक्शन ए में होंगे पंद्रह क्वेश्चन जिसमें मैथ्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों आएगा सेक्शन बी को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है जिसमें एक होगा डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन फॉर और डायरेक्टली नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम जो मैथमेटिक्स में आते हैं एंड दूसरा होता है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में जनरली हमारे वर्ड प्रॉब्लम टाइप नहीं है तो इतना लेंदी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा जितना हमने ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में दिया था बट एप्लीकेशन इज स्टिल एप्लीकेशन अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन वो फ्रेम करेंगे ठीक है तो यहाँ पंद्रह क्वेश्चन यहाँ थर्टी फाइव क्वेश्चन यहाँ थर्टी फाइव क्वेश्चन ठीक है तो आइदर बी वन और बी टू आपका रहेगा ताकि टोटल हो जाए आपके फिफ्टी क्वेश्चन आपको बता देती हूं कि आपके तीनों सेक्शंस का सिलेबस क्या होता है सेक्शन ए सेक्शन ए में क्या था मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स कंबाइंड टुगेदर सो सेक्शन ए में आता है आपका एल्जेब्रा कैलकुलस इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोबेबिलिटी बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सब टॉपिक्स तो आपने देख ही लिया होगा ठीक है दैट्स इट सेक्शन ए में आपके सिर्फ ये छह टॉपिक्स हैं एल्जेब्रा में आपका मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स आ जाता है कैलकुलस में आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब कुछ ही आ जाता है बेसिकली बट uh, जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डिरावेटिव चैप्टर है ना उसको ज्यादातर इसमें कवर किया गया है टैनजेंट नॉर्मल हायर ऑर्डर डिराइवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मैक्सिमम, मिनिमम। फिर आता है आपका इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्लास ट्वेल्व बोर्ड का आपका डायरेक्ट टू चैप्टर्स को कंबाइन करके इंटीग्रेशन आएगा डिफ्रेंशियल इक्वेशन क्लास ट्वेल्व बोर्ड का है प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी है ग्राफिकल मेथड आपने नहीं पढ़ा था बट आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इट इज देयर इन द सिलेबस ये ऑफिशियल सिलेबस है अपने मन से नहीं बता रही हूं मैं ये एन टी ए की वेबसाइट से ही लिया है हमने ये ऑफिशियल सिलेबस है मैथ्स पेपर का ठीक है अगला सेक्शन बी वन में आ जाते हैं जहां पे आएगा, आएगा आपका मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में वो सारे चैप्टर्स एंड वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके क्लास ट्वेल्व बोर्ड एग्जाम में आए थे यकीन नहीं होता चेक कर लो पूरा का पूरे आपके क्लास ट्वेल्व के चैप्टर्स और उनसे उनके ही टॉपिक्स हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस इनवर्स टेगनोमेट्री फंक्शन मेट्राइसिस डिटर्मिनेस कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इंटीग्रल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन थ्री डी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी सेम टू सेम चैप्टर है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं ठीक है अब आते हैं सेक्शन बी टू में जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स का अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन सिखाया जाता है ठीक है तो एप्लीकेशन में आते हैं हमारे नंबर्स क्वांटिफिकेशन न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस अगेन ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं आप एप्टीट्यूड सर्च करिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सर्च करिए नंबर एप्टीट्यूड सर्च करिए आपको मिल जाएगा ठीक है बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम ये तो फेवरेट होता है एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन में अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन पक्का आते हैं पाइप एंड सिस्टर्न प्रॉब्लम जो वो हमारा हमने पढ़ा था ना डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन वो उससे पाइप एंड सिस्टर्न के प्रॉब्लम आते हैं रेसेस एंड गेम्स वाले लॉजिकल क्वेश्चंस देन पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज अलजेब्रा मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ट्रांसपोर्ट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू ये कौन से टॉपिक में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाए हमने जब हम िटी है में आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वेरियंस आपके क्लास ट्वेल्व बोर्ड से डिलीट हो गया था बट यहाँ पे डिलीट नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा है ना तो आ, इसकी पढ़ाई आपको करनी है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पढ़ना है इंटरनेट पे सर्च करिए मल्टीपल वेबसाइट अवेलेबल है जो आपको आ, इन टॉपिक्स की तैयारी करवाएंगी फ्री में और इस चैनल पे आपको मॉक टेस्ट सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएंगे फॉर मैथ्स पेपर ऑफ सी ठीक है नेक्स्ट index number and time based data, population and sample parameter and statistics. अगेन टाइम सीरीज कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम सीरीज टाइम सीरीज एनालिस ये सारे ना एप्टीट्यूड के पार्ट होते हैं मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी कवर uh, किया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर जनरली आपने देखा होगा जब भी हम किसी कंपनी uh, में एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना उसमें ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं तो आप कहीं भी एप्टीट्यूड सर्च करोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन ऑफ ई एम आई वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स परपेचुएटी ये समथिंग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो आपने शायद कभी नहीं पढ़ी होगी अगर आप पी वाले बच्चे हैं अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो आपने फाइनेंस अगर लिया था तो वो आपने पढ़ा होगा तो आपके तो बल्ले बल्ले है ठीक है फिर है लीनियर प्रोग्रामिंग ये क्लास ट्वेल्व ने पढ़ा है फीजिबल एंड फिजिबल रीजन अगेन लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास ट्वेल्व सी बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों ने बहुत कम पढ़ा है ये सारी मोस्टली चीजें डिलीट हो गई थी उस चैप्टर से तो आपको वो चैप्टर फ्रेश से पढ़ना पड़ेगा बट सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करिए एनसीईआरटी में ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िए कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है जिन टॉपिक्स के लिए इंटरनेट पे सर्च करना है वो मैंने बता दिया एनसीआर बाकी टॉपिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी काफी है एनसीईआरटी के बाहर मत जाना ठीक है ओके नाउ सम स्पेशल प्रिपरेशन टिप्स फॉर मैथमेटिक्स स्टार्ट बाई स्टिंग द फंडामेंटल जो मैं बार बार कह रही हूँ सिर्फ एनसीआरटी पे फोकस करो सबसे पहले तो एल्जेब्रा कम्प्लीट करो जोमेट्री कंप्लीट करो क्योंकि आसान होती है फिर कैलकुलेशन कैलकुलस पे जाओ कैलकुलस में भी पहले एप्लीकेशन ऑफ डिरावेटिव कर लो डिफ्रेंशियल इक्वेशन कर लो ये दोनों बहुत आसान चैप्टर हैं उसके बाद इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जाना ठीक है नेक्स्ट एक्यूरेसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए डेफिनेटली प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी तो अगर आपने मैथ्स को डोमेन सब्जेक्ट लिया है और आपके पास बाकी डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं है तो खूब प्रैक्टिस करो जी भर के प्रैक्टिस करो कि बाद में पछताना ना पड़े क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका दे रही है आपको गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम के थ्रू अगर आपका फोकस जेई वगैरह नहीं है तो है ना नेक्स्ट टू ब्रॉडन यूर अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी हार्डर टॉपिक्स लाइकुलेसिली एन स्टैट जैसे कि मैंने बताया कि पहले तो आप थ्री डी कर लोगे एल जबरा करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन कर लोगे लेकिन अगर फुल ऑन फुल स्कोर करना है तो बाद में कैलक्यूल और प्रोबेबिलिटी पे भी जाना पड़ेगा अब प्रोबेबिलिटी बहुत टफ तो नहीं है कुछ बच्चों को लगती है बट इस चैनल पर मैंने प्रोबेबिलिटी का एक वन शॉर्ट वीडियो भी डाला था

यानी मॉक टेस्ट दीजिए मतलब इन शॉर्ट बोले तो मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं ताकि टाइमर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस हो जाए होता क्या है ना कि हमें ऐसा लगता है कि ओ पचास क्वेश्चन पैतालीस मिनट में करना है एक मिनट में एक क्वेश्चन भी कर लूंगा तो बहुत है ऑफकोर्स क्योंकि पचास में से चालीस ही अटेम्प्ट करने हैं और एमसीक्यू में एक मिनट बहुत होता है बट ऐसा हमें लगता है इमेजिन करो कि एक भी क्वेश्चन ऐसा हुआ जिसमें हम थोड़ा सोचने बैठ गए कि और कि पढ़ा तो था कुछ ऐसा फॉर्मूला था और इधर दो मिनट निकल गए तो आपका दो क्वेश्चन का टाइम निकल गया उतनी देर में है ना तो टाइमर वाले क्वेश्चन टाइमर वाले टेस्ट की प्रैक्टिस करिए ताकि आपको एक आइडिया लिख जाए कि कितने फास्ट आपको सॉल्व करना है और अगर किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो कितने जल्दी उसको स्किप करना है वो आइडिया मिलेगा ऑल राइट right, तो ये था आपका 90 डेज स्ट्रैटी फॉर योर सी एग्जाम नेक्स्ट मैं लाने वाली हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सी प्रिपरेशन फॉर मैथमेटिक्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू हिट द लाइक बटन एन ऑल्सो वी हैव अवर टेलीग्राम चैनल जहां आपको हर लेक्चर के नोट्स मिलते हैं रेडी मेड नोट्स ओवर देयर ठीक है there, जहां पे टीचर के हैंड रेटन नोट्स भी होते हैं एंड इंक्लूडिंग ऑल द डेफिनेशन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट आपके असाइनमेंट क्वेश्चन डेली नोटिफिकेशन एंड मेनी मोर थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर टेलीग्राम चैनल तो जल्दी से स्कैन कोड को स्कैन करिए या फिर सिंपली टेलीग्राम डाउनलोड करके ना ये सर्च कर लो विदान तू क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ मिल जाएगा आपको चैनल ठीक है सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू लाइक द वीडियो जल्दी से लाइक like करो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो बाय